दोस्तों, जैसा कि अपनी सभी वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन लेने का अधिकार है। क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलनी ही चाहिए। और अक्सर आप हमसे सवाल भी पूछते हैं कि सर, हमें एडमिशन किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज में लेना चाहिए। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी स्टेट का हो, सभी ज्यादातर हमसे सवाल पूछते हैं कि सर, हमें दिल्ली NCR में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जो आसपास हो, जहां मतलब आना जाना आसान हो, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो, अप्रूवल्स अच्छे हो, कैंपस अच्छा हो, हॉस्टल फैसिलिटी हमें अच्छी मिल सके। दोस्तों, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने आज तक वीडियो बनाई और बहुत सारी बातें आपको बताई यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें आपको बताया यूनिवर्सिटी का अप्रूवल्स कौन कौन से हैं, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोचते हैं, एडमिशन लेने से पहले उस यूनिवर्सिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लगातार हमारे पास पिछली बहुत सारी वीडियो से, जैसे हमने पहले वीडियो बनाई थी शारदा यूनिवर्सिटी पर, हमने वीडियो बनाई लिंगायत यूनिवर्सिटी पर, वीडियो बनाई ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने वीडियो बनाई जो आसपास हैं दिल्ली के, हमसे लगातार कमेंट में सवाल पूछे गए, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आए कि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में हम एक वीडियो बनाई। नोएडा इंटरनेशनल जो कि यूपी में, मतलब नोएडा में यूनिवर्सिटी चलती है, दिल्ली के सटी हुई यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से अप्रूवल्स है, कोर्स कौन कौन से यूनिवर्सिटी चलाती है, कैंपस कितने एकड़ में है, कैसा है कैंपस, इन सब के बारे में आज मैं बताऊंगा नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। और जैसा दोस्तों आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा वही रिव्यू देता हूं यूनिवर्सिटी के बारे में जो यूनिवर्सिटी की साइट्स पर होता है, या फिर नेट पर डिटेल्स पड़ी होती हैं, या फिर स्टूडेंट्स ने हमें उसके बारे में रिव्यू दिए होते हैं। तो जेन्युइन रिव्यू जानने के लिए नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा से कोशिश करता हूं अपनी वीडियोस के माध्यम से, या मेरी टीम हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, जिस भी कॉलेज, जिस भी कोर्स, जिस भी यूनिवर्सिटी पर हम वीडियो बनाते हैं। आपके लिए भी मैं काम दे रहा हूं इस वीडियो में कि आपको दो चीज जरूर करनी है। सबसे पहले 10 में से कितने मार्क्स आप देंगे इस वीडियो को देखने के बाद नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने आप मार्किंग जरूर देना। और साथ में ही ये भी जरूर बताना कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगला वीडियो आप क्या चाहते हो, किस कोर्स पर चाहते हो, या फिर किस अप्रूवल पर चाहते हो, या क्या आप जानना चाहते हो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, हमें उसका इंतजार रहेगा। शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी के रिव्यू के लिए। तो दोस्तों, हम बात करें नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले आप जानिए यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब कौन है। डॉक्टर विक्रम सिंह, ये है यूनिवर्सिटी के चांसलर। फिर है वाइस चांसलर डॉक्टर उमा भारद्वाज, ये है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के। और साथ में ही जो चेयरमैन है फिलहाल यूनिवर्सिटी के, वो है डॉक्टर देवेश कुमार सिंह। अब दोस्तों, हम सीधा बात करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी अगर चलती है तो यूनिवर्सिटी चलने के लिए अप्रूवल्स का होना बहुत जरूरी है, वरना वो यूनिवर्सिटी फेक की लिस्ट में आ जाएगी। तो यूनिवर्सिटीज की बात अगर हम करें, जितनी भी हिंदुस्तान में टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं, सभी को रेगुलेट करने वाली एक ही बॉडी है, वो है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स UGC पर लिस्टेड है तो आप मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जेन्युइन है। दोस्तों, हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400+ यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा है, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटियों से, यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें, विवेक से काम लें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हवाले से एडमिशन कभी भी ना लें। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है किसी तरह का, यह भी हो सकता है एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। जैसे और यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं UGC की साइट पर, वैसे ही ये यूनिवर्सिटीज भी लिस्टेड होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इनके एडवर्टीजमेंट्स को देख के, बहुत बड़े कैंपस को देखकर आप ये अनुमान बिल्कुल ना लगाएं कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती होगी। आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल आप वीडियो चाहते हैं, या आप चाहते हैं किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर ले सकते हैं, जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया, और उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां से आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी कोर्सेज जो चलते हैं हमारे देश में, या फिर आप अब्रॉड से कोई कोर्स करना चाहते हैं, सभी सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज की डिटेल आपको काउंसलिंग इंडिया चैनल पर मिलेगी। और जितने भी तरह के कोर्सेज चलते हैं भारत में या अब्रॉड में, उन सभी की डिटेल में
इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अभी जाकर काउंसलिंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ यूनिवर्सिटी इंडिया चैनल पर आपको सभी तरह की यूनिवर्सिटीज, चाहे वो अपने देश में चलती हो, एब्रॉड में चलती हो, कॉलेजेस कोई भी चलते हो देश में या एब्रॉड में, या फिर कोई भी जो बोर्ड चलते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी इंडिया चैनल से बिल्कुल मिल जाएगी। कैसे आप चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड है या नहीं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टोटल अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करोगे, टोटल 32 यूनिवर्सिटीज चलती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। सबसे पहले आप जाके टाइप करेंगे www.ugc.ac.in। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा पूरा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो वेबसाइट है यूजीसी की, वहां जाने के बाद यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक कीजिए। यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, और नीचे आता है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है। मतलब सभी स्टेट जो हिंदुस्तान में है, सभी में से उत्तर प्रदेश पर जाके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही उत्तर प्रदेश पे आप क्लिक करेंगे, टोटल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट खुल जाती है। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में? टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में। उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए 22वें नंबर पे आप जाके देखिए। दोस्तों, ये जो रैंकिंग है 22वां नंबर, ये कोई रैंकिंग नहीं है, ये अल्फाबेटिकल जो नंबर है उसके हिसाब से ही, जैसे एन आया तो मतलब 22वें नंबर, उस तरह से आप यहां पे देख पा रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि 12/10/2010 से यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, जो यूजीसी की वेबसाइट बोलती है। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.niu.edu.in। यह है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। दूसरे किसी वेबसाइट पर इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आप ना देखें। मोर डिटेल्स पे आप जैसे जाए क्लिक करते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन खुल जाती हैं। यहाँ पर जाने के बाद में जो वीसी इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमा भारद्वाज, उनका फोन नंबर लिखा हुआ है, साथ में ही उनकी मेल आईडी भी लिखी है। किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। साथ में रजिस्ट्रार साहब की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार पराशर, यह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, उनका भी फोन नंबर और मेल आईडी यहां अपडेट है। दोस्तों, जब भी किसी भी तरह से किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम होती है या कोई भी मेन कंसर्न है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी में, तो मेन जो लोग हैं यूनिवर्सिटी कौन होते हैं, चांसलर साहब होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, या चेयरमैन जो है यूनिवर्सिटी के वो होते हैं, या फिर रजिस्ट्रार साहब होते हैं। चारों की डिटेल्स मैंने आपको दी है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में दूसरे अप्रूवल्स कौन से हैं। यूजीसी का तो होना अनिवार्य है ही, बिना यूजीसी के तो यूनिवर्सिटी चल ही नहीं सकती, बट यूनिवर्सिटी के पास और भी कुछ अप्रूवल्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटी अगर आप जाना भी चाहते हैं दोस्तों, तो मैं थोड़ा आपको बता दूं यूनिवर्सिटी के बारे में। आप यूनिवर्सिटी अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बोलते हैं कि सेक्टर 17A यमुना एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, यहाँ मतलब प्लॉट नंबर 1 है ये, यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थित है। यूनिवर्सिटी आप इजीली जाके विजिट करें। जैसा मैंने हमेशा से अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको कहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना आपके साथ प्रॉब्लम या फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। यूनिवर्सिटी जाकर विजिट कीजिए पर्सनली। जाकर यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद में फैकल्टी मेंबर से आप जाके मिलिए जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। क्लासरूम में भी जाइए, हो सके तो वहां जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उस कोर्स के लिए उन स्टूडेंट्स से जाकर भी मिलिए। और आप अगर दूर दराज एरिया से हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो हॉस्टल भी जाके विजिट करें, देखें हॉस्टल कैसे हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास हॉस्टल का नामो निशान नहीं है। किस तरह की वो लोग क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करते हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस एक बात है, बट आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हम ये नहीं बोलते कि आप जाकर एडमिशन ले लें। यूनिवर्सिटी विजिट करें और देखें बहुत अच्छी तरह से यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है भी या नहीं। अगर अप्रूवल्स नहीं है या किस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ होती है, उसी वक्त यूनिवर्सिटी से निकल जाएं और एडमिशन आप बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी में आप ना लें। अभी यूजीसी के अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों, एक होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIU। जितने भी स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो AIU देखते हैं, वो यूनिवर्सिटी के पास है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के बाद में एक और अप्रूवल की हम बात करें जिसको आप बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी के पास, BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है, जैसा यूनिवर्सिटी बोलती है अपनी वेबसाइट के माध्यम से। आप LLB करना चाहते हैं, LLM करना चाहते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं इन अप्रूवल्स को देखकर। साथ में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब कि BR करना चाहते हैं उसके लिए भी है। साथ में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, फिजियोथेरेपी मतलब जो BPT आप कोर्स करते हैं, या इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो आप कोर्स करते हैं BSc नर्सिंग, साथ में NCT का अप्रूवल और भी कुछ अप्रूवल्स के बारे में यूनिवर्सिटी मेंशन करती है। दोस्तों, हम पूरी तरह से डिटेल वीडियो अप्रूवल की लेकर आएंगे,
जब हम एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ अप्रूवल्स पर, या किस स्पेसिफिक अप्रूवल के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछेंगे तो हम उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी यूनिवर्सिटी जो बनती है उसके पास यूजीसी का अप्रूवल है, यूजीसी ने मान्यता दे दी तो यूनिवर्सिटी बन जाती है। और सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के डिप्लोमा, सभी तरह के यूजी प्रोग्राम्स या पीजी प्रोग्राम्स या फिर रिसर्च में जो कोर्सेज होते हैं, जैसे पीएचडी कोर्स होता है, उन सबको यूनिवर्सिटी करा सकती है। अप्रूवल्स पर एक डिटेल वीडियो बनेगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें अप्रूवल्स की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में एक डिटेल अप्रूवल्स पर वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से चलाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूजीसी एक्ट 1956 में जैसे ही प्रपोजल जाता है यूनिवर्सिटी का यूजीसी के पास, तो उसके बाद सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी और रिसर्च जैसे कोर्सेज को यूनिवर्सिटी चलाना शुरू कर देती है और सभी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिल जाता है। अब होता क्या है कि जिन जिन कोर्सेज को यूनिवर्सिटी एड ऑन करना शुरू करती है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी को LLB करवानी है, तो अब वो जाएंगे BCI के पास, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, कहेंगे अप्रूवल चाहिए। यूनिवर्सिटी करवाना चाहती है फार्मास्यूटिकल कोर्सेज, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, तो वो जाएंगे PCI के पास, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, कि हमें अप्रूवल चाहिए कोर्स चलाने के लिए। उसी तरह से इंडियन नर्सिंग काउंसिल पर जाएंगे BSc नर्सिंग के लिए। तो ये जो काउंसिल कोर्सेज हैं, कौन कौन से होते हैं काउंसिल कोर्सेज, उस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आप वीडियोस वो देख सकते हैं, समझ जाओगे क्या होता है NEC, NEC एक्रेडिटेशन कैसे मिलता है, PCI क्या होता है, BCI क्या होता है, INC क्या होता है, सब काउंसिल्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे इसी चैनल पर, आप वो देखेंगे, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, अकेडमिक्स में अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के पास, जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, डिप्लोमा, ऐसे कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दोस्तों AICTE चाहिए होता है जब भी हम कोई टेक्निकल कोर्स करवाते हैं, पर यूनिवर्सिटीज को AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, बिना अप्रूवल के AICTE के भी यूनिवर्सिटी कोर्सेज चला सकती है। जैसे कि पहले PCI जो फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया था, उसके साथ ही AICTE का अप्रूवल चाहिए होता हरियाणा में कॉलेज खोलने के लिए, अब ऐसा नहीं होता, सिर्फ PCI अप्रूवल लो और अपना कॉलेज चला सकते हो। कोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हैं तो साथ में ही यूनिवर्सिटी के पास एक और कोर्स है, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब MBA करना चाहते हैं, स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल अफेयर्स, LLB कर सकते हैं आप, स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ एंड साइंस, स्कूल ऑफ नर्सिंग, मतलब INC का अप्रूवल, BSc नर्सिंग, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी आर्ट्स, आप यहां से BLIS, BLIB, MLIB, MLIS कोर्स कर सकते हैं, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BJMC, बैचलर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जो कोर्स होता है, साथ में MJMC भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं, साथ में स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ एजुकेशन, मतलब BEd MEd जो स्टूडेंट्स करते हैं उसके लिए NCT का अप्रूवल चाहिए होता है, उसकी बात कर रहे हैं ये लोग, साथ में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, BR या B डिजाइन या B- इस कोर्स को आप बोल सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है अपने चैनल पर, आप वो देखेंगे, BR पर ही वीडियो बनाई है, आप देखना आप समझ जाओगे। सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्टडीज, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो दोस्तों ये कुछ कोर्सेज हैं, बाकी तो कोर्स पर जो डिटेल हम वीडियो एक लेकर आएंगे आपके लिए उसमें बेहतर आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी करवाती हैं। पर फिर से मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को दोस्तों, ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना नहीं, आप लोग यूनिवर्सिटी विजिट करें, उसके बारे में समझें, आसपास और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं उस यूनिवर्सिटी के, उनकी भी आप डिटेल्स निकालें, हो सकता है इससे अच्छी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो जहां पर एडमिशन ले सकते हैं, हॉस्टल्स कैसे होंगे, फीस में कितना आपको डिस्काउंट मिलता है, किसी भी तरह का आप यूनिवर्सिटी की फीस में डिस्काउंट चाहते हैं, बेस्ट सर्विस चाहते हैं, हमारी कंसल्टेंसी चाहते हैं, या आप चाहते हैं हमारी एडवाइस, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल जरूर पूछना, हम रिप्लाई भी जरूर करेंगे, या फिर आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी तरह की, अगर एडमिशन रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वेरी अगर आपके पास होती है, या फिर फ्री एजुकेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पर पूरी तरह से फीस माफ हो जाती है, पूरी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है, सिर्फ हॉस्टल मेस की फीस देनी होती है, और दोस्तों ऐसी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर 50% फीस दो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, इन सब के लिए आपको बात करनी होगी, बात करने के लिए कमेंट बॉक्स में या तो अपना सवाल पूछें, दोस्तों जब आप सवाल पूछेंगे हम लोगों से कमेंट बॉक्स में या मैसेज करेंगे आप हमें, तो 5 चीजें आप मेंशन कर देना, सबसे पहली बात मेंशन ये करना कि आपने 12th कब की है और कहां से की है, साथ में मेंशन करना कि आप जो एडमिशन लेना चाहते हो किस कोर्स में लेना चाहते हो और किस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो, और साथ में ही आपका बजट क्या है, आप ये सब बातें बताएंगे तो हम आपको कोई ना कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी सजेस्ट आपको कर जरूर देंगे। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल है आपके दिल में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को लेकर, या फिर आप अगला वीडियो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप किस पर चाहते हैं, किस कोर्स पर, किस अप्रूवल पर, या फिर क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना, हम इंतजार उसका जरूर करेंगे। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।